क्या आपको पता है कि जब भी आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आपकी बॉडी का 8% वाटर अपने आप खत्म हो जाता है। क्या कभी आपने भी ओलंपिक्स की पिक्चर देखते हुए ये कभी सोचा है कि अक्सर ये जो विनर्स होते हैं अपना मेडल को क्यों चबाते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो का सबसे पहला सवाल आता है कि भारत में किस राज्य ने एक परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य राज्य में गरीबों तक मुफ्त इंटरनेट पहुंचाना है? सही जवाब केरला। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा केरला ने ही क्यों किया। केरला की सरकार ने इंटरनेट की सर्विसेज को फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन में शामिल किया गया है, यानी कि एक मौलिक अधिकार। यानी कि अगर एक कोई भी सिटीजन गरीब है अमीर है, उसका एक फंडामेंटल राइट बनता है इंटरनेट की सर्विसेज को यूज करना। तो इसी की वजह से केरला की सरकार ने फ्री इंटरनेट सर्विसेज के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अगला सवाल आता है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि हिंदी में इसे कहें तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। इसका सही जवाब है 27 सितंबर हर साल। और इस चीज को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 1917 में इस दिन को चुना गया था। और ये इसलिए भी चुना गया था, इसके पीछे भी रीजन जान लीजिए, बिकॉज UNWTO के कानून को इस दिन अपनाया गया था, इसी वजह से 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर मेडल को चबाया क्यों जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब। मेडल जीतने के बाद उसको दांतों से काटने की परंपरा एथेंस ओलंपिक से शुरू की गई थी, लेकिन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक के बाद ये परंपरा बंद हो गई थी। स्टॉकहोम ओलंपिक में ही खिलाड़ियों को अंतिम बार शुद्ध सोने के मेडल दिए गए थे। और काटने की परंपरा इसलिए भी चालू की गई थी बिकॉज खिलाड़ी मेडल को काटकर उसमें मौजूद सोने के असली या नकली होने की तरकीब करते हैं, और ये परंपरा के रूप में शुरू हुई जो आज भी कायम है। हालांकि ये परंपरा तो चलती आ रही है, लेकिन सोना जो प्योर गोल्ड होता है वो 1912 के बाद दिया ही नहीं गया। यानी कि अब जो ये मेडल आप देखते हैं ये प्योर गोल्ड नहीं होता, बल्कि 98% सिल्वर होता है, उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग की जाती है। तो ये कभी मत सोचना कि ये जो गोल्ड मेडल है प्योर गोल्ड के होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फ्लाइट में चढ़ने के बाद हमारे शरीर का पानी 8% कम क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप उड़ान के दौरान अपने शरीर के पानी का लगभग 8% यानी कि 8% खो देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जलवायु नियंत्रित वातावरण में जो ह्यूमिडिटी होती है 10-15% तक कम हो सकती है। इसलिए आपकी जो बॉडी के अंदर जो पानी होता है 8% तक कम हो सकता है, जस्ट बिकॉज एक ह्यूमिडिटी की वजह से। चलिए इसमें 2-4 सवाल और ले लेते हैं इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर जो इंडिया से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल आता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका नोटों के ऊपर यानी कि करेंसी के ऊपर सिग्नेचर है? इसका सही जवाब है मनमोहन सिंह। और ऐसे इसलिए बिकॉज जो मनमोहन सिंह थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे थे 1982 से 85 तक। तो इन 3 सालों के अंदर जो भी न्यू करेंसी निकली उनके ऊपर मनमोहन सिंह जी के सिग्नेचर हैं। तो चलिए बताइए कि अब तक भारत ने क्रिकेट के कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? सही जवाब 2 वर्ल्ड कप। तो बताइए कि जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी वो कौन हैं? इसका जवाब है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।